फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बन्ना फूडी किचन में। फ्रेंड्स, हम लेके आए हैं आज एक सुपर टेस्टी नाश्ता, जिसे हम बनाएंगे बची हुई रोटी से, जो खाने में टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया हुआ है। तो हमें चाहिए बची हुई रोटी। ये मेरी रात की रोटी है जो बच गई थी, तो सोचा क्या करें, इनको हम कुछ बनाते हैं, कुछ नई रेसिपी जो खाने में भी अच्छी लगे और देखने में भी अच्छी लगे। तो अब हम इस तरह से रोटी को तोड़ लेंगे। जब भी आपके घर में रोटी बच गई है, तो आप इस तरह से रोटी का नाश्ता बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगली प्रोसेस। अब इन्हें हमें डाल देना है फ्रेंड्स मिक्सर ग्राइंडर में, और हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा चम्मच दही। दही से बढ़िया टेस्ट आता है। और हमें लेना है आधा कटोरी फ्रेंड्स बेसन। बेसन की जगह आप सूजी भी ले सकते हैं। तो आधी कटोरी फ्रेंड्स हमने बेसन का यूज किया है। अब इसमें हमें पानी डाल देना है एक कटोरी, क्योंकि हम इनको ग्राइंड करेंगे और हमें एक पेस्ट बना के तैयार करना है। तो देखिए, अब मैंने पेस्ट इस तरह से फ्रेंड्स बना के ये तैयार कर लिया है। तो ये बढ़िया सा पेस्ट हमारा बन के हो चुका है फ्रेंड्स तैयार। अब इसे हमें एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स, अभी ये गाढ़ा है, तो थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पहले हम इसको निकाल लेते हैं, और इसमें कुछ हम सब्जियां भी ऐड करेंगे अपने मनपसंद अनुसार। तो अभी बैटर हमने निकाल लिया। अब इसमें एक बारीक कटी हुई प्याज डाल देना है। इसके बाद फ्रेंड्स हम डालेंगे किसी हुई गाजर, जो मैंने एक गाजर को क्रश करके रख लिया था। आधी मैंने ये फ्रेंड्स शिमला मिर्ची, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी ही मैंने डाली हुई है। 2 से 3 बारीक कटी हुई फ्रेंड्स हम हरी मिर्ची लेंगे। थोड़ा स्पाइसी बनाएंगे तब ये अच्छा लगेगा। इसमें बारीक कटा हुआ फ्रेंड्स हमें डाल देना है पालक। तो मैंने थोड़ा सा पालक का यूज किया है। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है। अब इसके बाद आधा टमाटर का मैंने यूज किया। आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच भर के डाल देंगे काली मिर्ची पाउडर। 1 चम्मच इसमें हम लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे आधी चम्मच के आसपास। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। और इस तरह से हमें सभी को मिक्स कर लेना है। आप चाहो तो इसमें और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। और टेस्ट अनुसार 1 चम्मच नमक डाल देंगे, थोड़ा सा और डालेंगे। और सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। आप अपने मनपसंद इसमें सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालना है, क्योंकि अभी ये गाढ़ा था। तो एक हमें बैटर सा बना के तैयार करना है। ना ज्यादा हमें इसे पतला रखना है, और ना ज्यादा हमें इसे गाढ़ा रखना है। तो इसी तरह से हम इसको चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप बची हुई रोटी से इस तरह का ये नाश्ता बना के ट्राई कीजिएगा। आपको ये जरूर पसंद आएगा, और चाय के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी आपके घर में रात की रोटी बच गई है, तो आप इस तरह से इस नाश्ते को बना के ट्राई कीजिएगा। अब हमने बैटर बना के रख लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच के आसपास सोडा या इनो का यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसमें सोडा नहीं डाला है, इनो का यूज किया है। आप चाहे तो सोडा भी डाल सकते हैं थोड़ा सा इसमें, और इनो को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना। थोड़ा सा फूला फूला सा बनेगा। अब हम लेंगे पैन, और पैन में हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल। आप कुकिंग ऑयल या घी में किसी में भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, जिसमें भी आप बनाना पसंद करेंगे। तो यह रेसिपी कम ऑयल में भी बन के तैयार हो जाती है। तो अब हम गैस को जला दिए हैं, और हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल चुके हैं। अब थोड़ा सा इसमें फ्रेंड्स हम डाल देंगे सफेद वाले तिल। इससे टेस्ट भी आएगा और देखने में भी अच्छे लगेंगे। थोड़ी सी हमने काली वाली इसमें सरसों डाल दी है। थोड़े से फ्रेंड्स हम कड़ी पत्ता लेंगे। थोड़े कड़ी पत्ता का भी फ्रेंड थोड़ा सा बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा, जो खाने में भी टेस्टी भी लगते हैं। और इस तरह से हम बैटर को डाल देंगे, जो फ्रेंड्स हमने बना के रखा हुआ था। तो इस तरह से हमने इसे फैला दिया है, और इसे हमें फ्रेंड्स ढक के रख देना है। अगर आप चाहो तो इसमें मिर्ची ऊपर से डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी इसमें सफेद तिल भी डाल दिए थे, वो मैंने दिखा नहीं पाई आपको, और थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाल दी थी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो इसमें मिर्ची कम ऐड कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए, एक साइड से पक के इस तरह से तैयार हो चुका है। तो दूसरी साइड से भी हमें इसे बढ़िया सा सेक लेना है। तो फ्रेंड्स, ये झटपट से बनने वाली रेसिपी है, और खाने में बहुत ही मजेदार लगती है। थोड़ा सा हम इसमें कुकिंग ऑयल ऊपर से डाल देंगे, क्योंकि नीचे साइड से भी हमें इसे सेकना है। तो आप इसे घी में भी बनाइए, मक्खन में भी बनाइए, जिसमें भी आप फ्रेंड्स इस रेसिपी को बनाना पसंद करें, आप बना सकते हैं। तो ढक के रख देंगे, एक साइड भी हमें इसी तरह से सेक लेना है। तो देखिए, अभी सिक्के तैयार है। तो इस तरह से हम इस पैन को मैं से निकाल लेंगे प्लेट में। तो ये नाश्ता मेरा एक बन के तैयार है। बाकी को फ्रेंड्स हमें इसी तरह से बना लेना है। फिर से हमने पैन रख दिया है, कुकिंग ऑयल डालेंगे इसमें,
और थोड़ा सा सफेद तेल और थोड़े से काली वाली सरसों का यूज भी करेंगे हम, और थोड़े से हम इसमें कड़ी पत्ते भी डाल देंगे इसी तरह से। तो दूसरे नाश्ते को भी हमें इसी तरह से बना के तैयार कर लेना है। तो कड़ी पत्ते डाल दिए है, अब ये बैटर भी हम इस तरह से इसमें डाल देंगे और इसे हमें अच्छे से फ्रेंड्स फैला लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमने इस तरह से बैटर को डाल दिया है और इसी तरह से इसे भी हमें बढ़िया सा सेंक लेना है। तो आप इसे थोड़ा मोटा भी रख सकते हैं, चाहो तो थोड़ा पतला भी कर सकते हैं। आप इसके चीले भी बना सकते हैं थोड़ा पतला पतले आकार में, जैसे भी फ्रेंड्स आप बनाना पसंद करें। आप इसे डोसा पैन पे भी बना सकते हैं। और थोड़ी सी सफेद तेल लाल मिर्ची मैंने ऊपर से डाल दिए, ढक के रख देंगे फिर हम 2 से 3 मिनट के लिए। तो एक साइड से सिक जाते, एक साइड में 2-3 मिनट लगते हैं सिकने में, और इस तरह से हम इसको फ्रेंड्स पलट लेंगे। तो एक साइड से सिक के तैयार है, दूसरी साइड से भी हमें इसे उलटते पलटते सेक लेना है। फिर से हमें इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालना है, घी का भी यूज कर सकते हैं आप, मक्खन का भी, जिसमें भी आप खाना पसंद करें बनाइए, बहुत ही टेस्टी नाश्ता लगता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये भी नाश्ता हमारा बनके तैयार है। इसको भी हम ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए। तो एक साइड से भी फ्रेंड्स ये पक के तैयार हो जाएगा। तो चलिए, पक के तैयार इसको हम प्लेट में निकाल चुके हैं और मैंने इसे सर्व किया है टमाटर की चटनी से। तो फ्रेंड्स आप अपने मनपसंद चटनी के साथ इसको एंजॉय कीजिए। आप इनको ऐसे ही खाएंगे तभी फ्रेंड्स आपको अच्छे लगेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी बची हुई रोटी से, तो बनाइए खाइए एंजॉय कीजिए। तो मैंने आपको तोड़कर भी दिखा दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड। बाय बाय।